नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो के साथ मैं रेल रोड ब्रिज के पास आया हुआ हूँ जो कि गाजीपुर शहर की तरफ है। एक बार मैं आपको ओवरलुक दिखा देता हूँ बोर्ड जूम करके। वो जो हाँ बोर्ड देख सकते हैं वो नगर पालिका का बोर्ड है, वहाँ से नगर पालिका शुरू हो जाती है गाजीपुर की। और ये ब्रिज का काम गाजीपुर की तरफ से दिखाने लेके आया था क्योंकि मैंने इससे पहले जो अपडेट दी थी उसको ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने होने वाले हैं और एट प्रेजेंट यहाँ इस तरफ ब्रिज के शहर की तरफ है कोई काम हुआ नहीं है। जो काम है इसे थोड़ा आगे हुआ है लग रहा है देखकर, तो दिखाता हूँ आपको आगे चल के कि और धीरे धीरे कितना काम हुआ है। फ़िलहाल इस जगह में पहले के कंपैरिजन में कोई नया नहीं है, स्लो है काम इस तरफ में। मिलता हूँ आपसे आगे, दिखाता हूँ और कितने पिलर्स बने हैं और बनाए जा रहे हैं वीडियो में। तब तक बने रहिए। मैं इस घर के पीछे आया हुआ था जो आपको इधर वीडियो में नज़र आ रहा है, ये जो पिलर्स के पीछे घर है मैं उसके पीछे आया। तो ये जो पिलर्स हैं ये कुछ महीनों पहले भी ऐसे ही थे तरफ में, मतलब इनको भी कोई काम यहाँ टच नहीं किया गया है जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि उस समय ये गड्ढा नहीं खाना गया था और इसके जो ये छड़ हैं पिलर्स के लिए उनके बेस को तैयार करने के लिए यहाँ काम किया गया है। बस इस एरिया में फ़िलहाल टेम्प्रेरी में यही एक काम हुआ है और नया कुछ नहीं हुआ है। मतलब अगर इन पिलर्स को देखा जाए तो इनके ऊपर कुछ नया नहीं निर्माण किया गया, ना ही वो जो पीछे घर आ रहे हैं उन्हें तोड़ा जाएगा, ना उन्हें तोड़ा गया है अभी में। फ़िलहाल में बस ये एक इधर खुदाई का काम हुआ है जिसके पिलर के बेस बनाने के लिए, और इसी सिधाई में आगे भी काम हो रहा है। तो मैं बाई रोड आया हुआ था तो मैं बाइक से आगे पहुंच के आपको आगे का दिखाता हूं कि क्या काम हुआ है नया और क्या नहीं हुआ है। तब तक वीडियो में बने रहिएगा और मैं दिखा देता हूँ। ये मैं राजागंज पुलिस चौकी के साइड में था, वहाँ शम्मी है हुसैन हॉस्पिटल जो कि पहले था उसे तोड़ दिया गया है, उसका बोर्ड लगा हुआ। और ये दाढ़ी घाट जमनिया रेतीपुर की रोड है। तो बने रहिए, आगे दिखाता हूँ आपको पहुँच कर, क्योंकि वहाँ पे कुछ उम्मीद है नया देखने को मिलेगा क्योंकि दूर से काम मुझे नज़र आ रहा था आते वक्त। इधर पीछे वाली की तरफ आया जिसका अभी मैं आपको पहले फुटेज दिखा रहा था, तो यहाँ भी देख सकते हैं पिलर के बेस को बनाने के लिए यहाँ पर सीमेंटिंग की इनकी ढलाई की गई है। और ये छड़ आपको जो नज़र आ रहा है जिन्हें खन कर निकाला गया है, मुझे नहीं पता ये प्रोसेस कैसे होता है, पर इन्हें ज़मीन के अंदर से अभी निकाला गया है, इन्हें पहले शायद डाला गया होगा। और यहाँ जैसे कि क्षतिग्रस्त घर है ये, जो ये बिल्डिंग थी किसी चीज़ की ऑफिस की जो कि शायद गवर्नमेंट थी जितना मुझे पता है, उसे तोड़ दिया गया है, तोड़कर इसे बराबर किया गया है। और यहाँ पर फ़िलहाल में एक घर है एट प्रेजेंट। अब इसका मुझे कन्फर्म नहीं कि श्योर ये टूटेगा या नहीं, क्योंकि इसके बगल से लाइन जैसा आप देख सकते हैं निकल रही है। और देखिए वहाँ भी एक गड्ढा किया गया है पिलर्स के लिए जो कि इसके सिधाई में आप वो गाड़ी देख सकते हैं, क्रेन जिसे मैं कह सकता हूँ शॉर्ट में। चलिए दिखाता हूँ आपको इनमें भी क्या पिलर्स के बेस बनाए गए हैं, जो छड़ है उनके बेस जैसा कि इनका देख सकते हैं, इनका कोई बेस नहीं बनाया गया है, इन्हें फ़िलहाल में गड्ढा करके निकाला गया है और इनका बेस अभी नहीं बनाया गया है। चलिए और दिखाते हैं आगे की तरफ से क्या नया हुआ है। तो मिलता हूँ आपसे, आगे की तरफ आ चुका हूँ। जैसा यहाँ कुछ महीनों पहले जो था इनके गड्ढे खने गए थे, ये जो पिलर्स के छड़ दिख रहे हैं आपको, और अभी इनकी छड़ लगा दी गई है, पहले गड्ढे खने गए थे जो कि आगे तक यही काम चल रहा है। और यहाँ देख सकते हैं एक नए पिलर का निर्माण हो रहा है जिसे सीमेंट वेंट डाल के बराबर कर दिया गया है, उसकी इस बेस भी बना दी गई है। और ये पिलर आप देख सकते हैं इसके ऊपर का जो बेस है मेन जिसपे ब्रिज सपोर्ट, ब्रिज के नीचे निचले हिस्से को खड़ा किया जाएगा वो भी तैयार है, और इससे आगे वाले का भी तैयार नहीं किया गया। फिलहाल यहाँ पर ये दो नए काम नज़र आ रहे हैं, एक बेस और एक नए पिलर का निर्माण, और ये छड़ के जो आप कह सकते हैं जो डाला गया है ना इनकी ढलैया के लिए, ताकि उन्हें ऐसा आकार दे सकें जैसे ये गोल्ड रंग में है। रंग इनका तो फिलहाल में सीमेंट के ही कलर में ही है जो कि सिल्वर है उनके आकार में। और ये रोड के इस तरफ है, अगर आप कभी आना चाहें लोकेशन इनकेस आपको नहीं समझ में आ रही हो तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इससे यहाँ से सिधाई में दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसके लिए और इससे आगे जाना होगा। तो मिलता हूँ आपसे उस तरफ और वहाँ से आपको डिटेल दिखाता हूँ पूरी जो आखिरी की है दिखाने के लिए वीडियो में। तो जहाँ से असल में रेल रोड ब्रिज की जो ये पिलर्स है या फिर इनकी जो रेल लाइन है वहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ में ये पिलर्स पहले से ही बने हुए थे बहुत दिनों के। मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने आपको ये सब दिखाया होगा और आगे का भी।
फिलहाल यहाँ एक नया काम हुआ है कि ये जो घर था इसे तोड़ दिया गया है, और फिलहाल में ये पहले भी बने हुए थे पिलर्स आगे तक, और मैं इनको आपका आखिरी जो एंड है वो भी वीडियो में इस बार दिखा दूंगा, जो कि उस लोटन इमली या फिर छतरी साइड कर सकते हैं उस तरफ है, तो वो मैं आपको साइड दिखा दूंगा। फिलहाल में इनका तो यही निर्माण है जो लोग पहले देख चुके होंगे पुरानी वीडियो में, उनके लिए तो कोई इसमें नया नहीं दिख रहा खास, पर जो अभी फ़िलहाल में ये वाली वीडियो देख रहे हैं जो कि मेरी ये रिसेंट नई वीडियो, उनके लिए भी मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको दिखा दूँ, क्योंकि इस बार मैं वॉक इन आपको दिखा नहीं पाऊँगा उतना लंबा। आप अगर आपको वॉक इन देखना है पूरा आगे तक तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जो पार्ट टू करके होगी, उस वीडियो में लिखा होगा थंबनेल में। इसके बगल में ये एक तालाब था जो कि एक्चुअली में इस पिलर तक था, जिसे आधा बंद कर दिया गया है, और यहाँ देख सकते हैं क्रेन खड़ी है। तो आपको आगे दिखाता हूँ आखिरी इसके एंड की तरफ कि एक नया पिलर का निर्माण होना था वो हुआ या नहीं, तो मिलते हैं आगे, तब तक वीडियो में बने रहिए। रेल रोड ब्रिज की यहाँ से शुरुआत होती है फिर इसकी एंड होती है गाजीपुर की तरफ, हम वहाँ आ चुके हैं। पुरानी वीडियो जो कि डाली गई थी उस समय ये जो पिलर था इसका निर्माण नहीं हुआ था, इसके उस समय छड़ बांधे जा रहे थे बेस के लिए। फिलहाल में ये पिलर पूरी तरह से बन चुका है जैसा आप लोग देख सकते हैं, और ये जो रेलवे लाइन आपको बगल में दिख रही है ये जाती है गाजीपुर घाट की तरफ। ये गाजीपुर सिटी और गाजीपुर घाट के बीच की रेलवे लाइन है, जो कि जगह का नाम यहाँ है छतरी कहा जाता है या फिर लोटन इमली, जो कि इससे थोड़ा आगे है। ये पिलर जो आप देख सकते हैं जिसे मैंने आखिरी बताया था, असल में ये आखिरी पिलर नहीं है, इससे आगे भी एक पिलर है, उसे मैं अगर पॉसिबल है अगर यहाँ से जगह है जाने की तो मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल में आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से खाली है, कहीं कोई काम नहीं चल रहा है। तो आप अगर देख पा रहे हैं कैमरे में, मैं आपको जूम कर दिखाऊं, क्योंकि तो यहाँ से जाने की जगह तो नज़र नहीं आ रही है, ट्रैक्स के बगैर से जगह है। फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको आगे चल के दिखा देता हूँ, उस तरफ पहुँच कर दिखाता हूँ डायरेक्ट, तब तक बने रहिए। ये मैं आगे की तरफ आ गया, जो पीछे पिलर दिखाया था उस जगह क्रॉस करके इधर से आगे की तरफ आ गया। ये असल में वो आखिरी पिलर नहीं था, ये पिलर भी था जिसका सिर्फ ये जो निचला हिस्सा देख सकते हैं जो सर्कल या फिर बेस पिलर कह सकते हैं उसे बनाया गया था उस समय, और इसका बेस के ऊपर ये इनका निर्माण नहीं हुआ था, ये फिलहाल में नए बनाए गए। और यहाँ से क्रॉसिंग होकर भी जिसका रोड को साइड से डाइवर्ट किया गया, जैसा आप देख सकते हैं पहले सीधा ही में था, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है अगर मैं दिखा दूँ आपको, ये पिलर है उनके आगे आप देख सकते हैं एक और पिलर का निर्माण चल रहा है, और मैं आपको सीधे दिखा दूँ जूम करके, और देखिए वहाँ एक नए पिलर का निर्माण चल रहा है और उससे आगे एक आखिरी पिलर बनाया जा रहा है, जो कि सबसे आखिरी में उसमें पूरा जूम इन करके दिखा, जहाँ आप वो क्रेन देख सकते हैं वो इधर का आखिरी पिलर है इस लाइन का, तो उसको निर्माण हो जाएगा और ये गाजीपुर घाट की तरफ लाइन जाती है। अभी फिलहाल में जिस तरफ मेरा कैमरा है उस तरफ ये गाजीपुर सिटी की तरफ जा रही है, तो बस यही एक अपडेट था इनके निर्माण कार्य को लेकर के, जो कि रेल रोड ओवर ब्रिज की है तरफ लाइन जाती है उसके ऊपर। तो बस उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगी, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ गाजीपुर के रेलवे स्टेशन के ऊपर, तब तक धन्यवाद।